पाकिस्तान की टीम के साथ आए दिन कुछ न कुछ हुआ ही रहता है और अब पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया मोड़ फिर से देखने को मिल रहा है और ये मोड़ ये है कि आपको दोबारा से हो सकता है बाबर आजम कप्तानी करते पाकिस्तान क्रिकेट ही ना दिखाई दे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने देखा पाकिस्तान का टीम का प्रदर्शन बिल्कुल उम्दा नहीं रहा। बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठे, बाबर आजम की बल्लेबाजी पर भी सवाल उठे। पाकिस्तान की टीम दो सेमीफाइनल्स खेलने के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। साल 2021 में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। साल 2022 ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ने बेहतर खेल दिखाया था, लेकिन साल 2024 वर्ल्ड कप में टी20 फॉर्मेट के पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बिल्कुल उम्दा नहीं रहा है और अब कप्तान बाबर आजम की कप्तानी पर दोबारा से सवाल उठने लगे। हालांकि वर्ल्ड कप 2023 जो 50 ओवर फॉर्मेट भारत में खेला गया था उसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को वाइड बॉल फॉर्मेट का नया कप्तान बनाया गया था। वहीं टेस्ट की कप्तानी शान मसूद को दी गई थी, लेकिन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट और उलटफेर का सिलसिला लगातार जारी रहता है। पाकिस्तान ने फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी इसी साल मार्च के अंत तक कप्तानी से हटा दिया और कप्तानी की जिम्मेवारी दोबारा से बाबर आजम के कंधों पर सौंप दी। बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड दौरे पर, इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की कप्तानी की। उसके बाद पाकिस्तान की टीम को वो लेकर टी20 वर्ल्ड कप आते हैं जहां पर उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गैरी कस्टन एक ऐसा रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर कई सारे लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। पाकिस्तान के कोच गैरी कस्टन और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बीच एक वार्तालाप की गई जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को लेकर चर्चा की गई थी। उस चर्चा से कई सारी खबरें निकल कर आना शुरू हो गई। सबसे बड़ी और अहम खबर ये थी कि क्या दोबारा से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा और अब अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा तो अब पाकिस्तान क्रिकेट किसकी ओर रुख करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट अब किसको कप्तान बनाएगा, क्या वो मोहम्मद रिजवान होंगे, शादाब खान होंगे या दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के रोल में दिखाई देंगे। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने बता दिया है कि अगर अब उनको कप्तानी मिलेगी तो शायद वो कप्तानी ना करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट आए दिन अपने एक चर्चा के लिए जाना जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ उलटफेर होते रहते हैं और शायद यही सबसे बड़ा कारण भी है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमें स्थिरता देखने को नहीं मिलती और उनके प्रदर्शन को इम्पैक्ट करती है। साथ ही टेस्ट क्रिकेट के जो उनके कोच साहब हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज जेसन गिलस्पी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर सुधार करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पर जोर देना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जगह टीम में शायद ना बन पाए। जेसन गिलस्पी ने भी इशारा दे दिया है, गैरी कस्टन ने भी पीसीबी चेयरमैन के साथ बातचीत कर ली है, यानी ये दोनों दिग्गज गैरी कस्टन और जेसन गिलस्पी पाकिस्तान क्रिकेट की रूपरेखा को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अब कप्तानी की जिम्मेवारी किसको सौंपने वाली है, ये एक देखने वाली बात होगी। अब इस पर आप क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।